हमारे यहाँ एक रॉकी भाई को मारने के लिए बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। तो ठीक है, फिल्म में ऐसा होता है, पर रॉकी भैया मारता किसी और को है और गिरता कोई और है। देखो यहाँ पे चादर वाले भैया को मारते हैं और ये बाइक वाला भैया गिर। जब ये लोग आ रहे थे तब आप इनका बाइक देखिए, बहुत ही ठीक है, अच्छे बाइक है। फिर जब रॉकी भैया इन बाइक से मारते हैं, बाइक को गिराता है ये बंदे को, और बाइक जाके लगता है टूटता है। पर देखो अलग हो गया, सिर्फ टैंक और टायर अलग हो गया और सब साथ ही है, टैंक और टायर अलग हो गया। अभी रॉकी भैया हमारा जब मारते हैं इनको तो इसका बाल सब उलझा हुआ है, मुंह पे आ गया है सब। उसके बाद जब ही मुड़ के सीधा होता है, कैमरा के सामने आता है, तो इनका बाल सेट हो गया, जेल में लगा के किसी ने सेट कर दिया। और यहाँ पे इसके बाद जब इनको मार रहे थे तो आप देख सकते हैं चाकू से इतना गला बहुत दूर था, फिर भी खून निकल रहा है। और इस वाले सीन में आपको लगता है बहुत ही बंदा है इधर, बहुत ही, लेकिन नहीं भाई, देखिए ये वाला बंदा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और उधर भी है, और ये वाला बंदा भी इधर है, उधर भी है, सब सेम लोग है भाई, एडिटिंग का कमाल है। अभी मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको बताना है इस सीन में मिस्टेक क्या है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बता नहीं पाए ना, अभी मैं बोल दूंगा, उसके बाद आप लोग चिल्लाना नहीं, ठीक है, धीरे धीरे आराम से लेने का। हाँ, उस वाले सीन को मैं बाद में बताऊंगा। आते हैं इस सीन में, इस सीन में रॉकी भाई हमारा मशीन गन लेके धूमधाम करते हैं, बहुत ही गोली मारते हैं, पर यहाँ पे इतना गोली है, पर यहाँ पे एक भी गोली का निशान नहीं है। और जादू यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है तो भाई पेड़ को तो हिलना चाहिए ना, पेड़ जहाँ का वहीं खड़ा है। और ये वाले जो ये जीप है उसको देखना, ठीक है, जब गोली मार रहा था सीधा खड़ा था, पर उसके बाद गोली लगने पर देखा कैसे टेढ़ा हो गया। अरे भाई ये क्या पुष्पा है क्या? वेट वेट, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई? नीचे रेड वाला जो बटन है ना, क्लिक हो जाने चाहिए, ठीक है, क्लिक कीजिए आप, मैं रुक रहा हूँ, क्लिक कीजिए। हाँ अब ठीक है, अब वीडियो देखिए। और एक बात, इस सारे जीप का जो नंबर है ना, नंबर प्लेट, इस पे ध्यान देना, इसका भी जो नंबर प्लेट है इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, सबका नंबर प्लेट भाई सेम ही है। हमारा रॉकी भैया जिनके पास लाख लाख रुपए है, पर एक सिगरेट दिलाने के लिए एक देसला ही नहीं है 1 रुपए का, बेचारा मशीन गन को चलाना पड़ा इसकी वजह से। और इस वाली पार्ट का जो मिस्टेक है वो तो आप ढूंढ नहीं पाए, चलिए मैं बता देता हूँ इसका पार्ट का मिस्टेक है। ये लोग सनग्लास पहन के घूम रहे हैं अंधेरों में, अंधेरों में कोई सनग्लास नहीं पड़ता, धूप में पड़ता है, ठीक है। और ये दो पीछे दो जो बंदे, जो रॉकी भैया का पीछे दो बंदे, भाई तू पीछे से मार दे ना, रॉकी भैया तो गन लेके सामने खड़ा है, तू पीछे से मार दे तो कहानी एंड हो जाएगा। नहीं, लेकिन नहीं, वो लोग तो नहीं मारेंगे। पुष्पा राज पीछे से गोली नहीं मारेगा सारा। और इस वाले पार्ट में जब जीप सारे आते हैं तो आप देख सकते हैं सब जीप आ रहे हैं एक साथ, पर किसी का भी नंबर प्लेट नहीं है भाई, देख सकते हैं आप, किसी का भी नंबर प्लेट नहीं है। KGF Chapter 2 जिसका इंतजार सबको था, पर मैंने KGF ऑन नहीं देखा। क्या बोला तूने? तो क्या हुआ, KGF 2 देखा, बहुत ही अच्छा था, फुल देखा मैंने मूवी को। 19 इयर्स का ओल्ड एक लड़का जो बहुत ही जूनियर है वो सारे एडिटिंग किए है मूवी का, ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है। हर लाइट के पीछे एक डार्कनेस एरिया होता है, और इस तरफ से KGF चैप्टर 2 बहुत ही बड़ा एक मूवी था। इसका भी कुछ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स था, छोटा छोटा, तो मैंने कोशिश किया इन सब मिस्टेक्स को आपके सामने लाने की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो एक लाइक ठोक देना भाई, और आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा पर मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो का एम रखता है 50 लाइक्स, तो कंप्लीट कर देना भाई, ठीक है। और एक बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करना। और हमारा यश भैया जो KGF 2 में इतना दमदार एक्टिंग करने के बाद भी उनका इंस्टाग्राम पे 8 मिलियन फॉलोअर है। कुछ लोग हैं जो बादाम गाने पे डांस करते करते 11 मिलियन फॉलोअर कर लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।